तो बच्चों, आज हम आपको ग्रामर में प्रोनाउन कितने होते हैं, काइंड्स और उसका डेफिनेशन कल तो बता दिया था, लिखा दिया था। आज इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन जो कि संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, लिखे पढ़े जाते हैं, उन्हीं का ब्यौरा आपको बताया जा रहा है। तो इतने प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, इसको देखिए, नोट करिए, याद करिए, बाकी ब्यौरा बाद में बताएंगे। जैसे आई वी यू ही सी इट दे व्हाट हूज व्हेन व्हिच वेयर हाउ हाउ आई माय माइन आवर योर्स हिज हिम हर दाउ दाई दाइन देयर हुर्रा हे हा आ इट इट्स। इतने ही प्रोनाउन होते हैं। अब इनको किस श्रेणी में रखा जाता है ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना जान लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट दे। इनका जो है अक्यूजेटिव और जेनिटिव केस जो होता है, जैसे वी आवर आवर्स, वी आवर, यू योर्स, दे देयर, ही हिज, और जेनिटिव केस में होता है, और अक्यूजेटिव केस में होता है ही का हिम होता है, सी का हर होता है, आई का मी होता है, और इसमें और एक जुड़ जाएगा मी, आई माई 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 मी। तो इतने शब्द जो हैं वो प्रोनाउन की संज्ञा में प्लेस किए गए हैं, रखे गए हैं। बाकी चीज़ें आपको ये बताई जाएंगी, कौन से प्रोनाउन में कौन कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है, और उनका कैसे यूज किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे वाक्य बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको बाद में बताई जाएगी। आज का बस इतना ही, आप लोग इसको सरलता से इजीली लर्न करते रहिए, नोट भी करते रहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके अलावा और कोई शब्द प्रोनाउन में नहीं रखा गया है, इसी को घुमा फिरा करके सभी प्रोनाउन्स में, सभी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में यूज किया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, लर्न इट।